हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के बारे में। दोस्तों, स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का जो डिज़ाइन है तैयार कर लिया गया है, इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। बहुत जल्द हमें ये पटरियों पर दौड़ती हुई भी नज़र आने वाली है और इसका रूट का चयन कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि किस रूट पर पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलेगी। आज की वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे पूरी जानकारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे अगर आप लोग नए हैं या पुराने हैं, जैसे भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रेल यात्रियों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यह ट्रेन अब स्लीपर संस्करण में भी दौड़ेगी। रेल अधिकारियों ने दी है जानकारी, इस ट्रेन में स्लीपर संस्करण स्लीपर कोचेस को 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। दोस्तों, बात करें अगर इस वंदे भारत ट्रेन के डिज़ाइन की, तो इस वंदे भारत ट्रेन को एल्यूमिनियम से बनाया जा रहा है। स्लीपर क्लास की इस वंदे भारत ट्रेन में एल्यूमिनियम लगाया जा रहा है, जो कि अगर बात करें और भी मेटल से तो काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, करीब 2 से 3 टन, जिसकी वजह से यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन की स्पीड जो होगी वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यहाँ पे रूट बताया जा रहा है दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से कोलकाता, यानी दिल्ली हावड़ा रूट। रेलवे ट्रैक की पटरियों को मरम्मत की जा रही है एवं सिग्नलिंग प्रणाली सुधारी जा रही है। इसके अलावा दोनों रेल मार्गों पर करीब 1800 करोड़ रुपए की लागत से टक्कर रोधी तकनीक यानी कवच फैसिलिटी अप्लाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले 2 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। अधिकारियों ने बताया है कि चेयर कार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चरणबद्ध तरीके से शताब्दी एक्सप्रेस की जगह लेंगी, जबकि स्लीपर संस्करण राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों की जगह लेंगी। यानी राजधानी एक्सप्रेस के साथों साथ यहां पे स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो कि राजधानी से बेहतर साबित होंगी। और वहीं पे शताब्दी ट्रेनों में, जो शताब्दी ट्रेनों की तुलना में यहाँ पे चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्लास वाली वंदे भारत ट्रेनें बेहतर साबित होंगी। दोस्तों, इन स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों का भी प्रोडक्शन होगा ICF चेन्नई में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। वैसे तो यहाँ पे जो 75 वंदे भारत ट्रेनें हैं उनका प्रोडक्शन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है ये कि क्योंकि यहाँ पे पहले 75 टारगेट रखे गए हैं नॉर्मल एग्जीक्यूटिव और चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेनों के। अब यहाँ पे 15 अगस्त तक बताया जा रहा है कि 75 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जानी है। वो तो खैर बना पाएंगे या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। बाकी आने वाले समय में देखते हैं स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें हमें कब तक देखने को मिलती हैं। आज के लिए इस अपडेट में इतना ही रखते हैं। इतनी ही न्यूज़ निकल के सामने आई थी और मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपना एक कीमती लाइक इस वीडियो को दे दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।